लेक्चर नंबर 7 के सी पार्ट के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में एफ पार्ट ए और डी पार्ट का मैंने आपको बताया था, एफ पार्ट में भी वही कुछ करना है। फर्क सिर्फ इतना है कि ए और डी में टर्म यूज़ हो रही थी इंडिविजुअल पार्टिकल, कैलकुलेट करें, यहाँ कहा जा रहा है मालिक्यूल, तो सिर्फ टर्म चेंज है, बाकी तरीका वही है। इसमें भी मैसेज गिवन है, उन मैसेज से मोल बनाएं, फिर मोल को एन ए से मल्टीप्लाई कर दें, 11 ग्राम ऑफ H2O और 11 ग्राम ऑफ H2O2। जी पार्ट ई पार्ट से मिलता जुलता है, जो ई पार्ट हमने किया। ई पार्ट में कहा गया था कि टोटल आइंस मालूम करें, उसमें पॉजिटिव आइन भी शामिल हैं और नेगेटिव आइन भी। यहाँ जी पार्ट में कहा गया है कि सिर्फ जो सोडियम आइंस हैं वो कैलकुलेट करें। 0.5 मोल ऑफ NaBr और 0.045 किलोग्राम ऑफ NaCl। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जी पार्ट में कर रहा हूं, मोल्स ऑफ NaBr आर इक्वल टू 0.5 और मैस ऑफ NaCl इज इक्वल टू 0.0145 kg। और हमने दोनों में बताना है कि इसमें सोडियम आइंस हैं। NaBr के मोल गिवन है, उनकी मदद से हम NaBr के फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaBr आर इक्वल टू, फार्मूला अप्लाई होगा मोल इनटू Na। नंबर ऑफ मोल 0.5 इंटू Na 6.02 Na2+23। तो आंसर आ जाएगा 3.01 इंटू N की पावर 23। आप सोडियम क्लोराइड का मैस गिवन है और किलोग्राम में गिवन है, आप इसे ग्राम में कन्वर्ट करें, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 0.0145 इंटू 1000, ये बन जाएगा 14.5 ग्राम। अब NaCl के फार्मूला यूनिट्स कैलकुलेट करें, क्योंकि मैस गिवन है तो फार्मूला अप्लाई होगा मैस ओवर मोलर मैस इनटू एवोगाड्रो नंबर। NaCl का मोलर मैस 58.5 बनेगा, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 और क्लोरीन का 35.5। को 6.02 से मल्टीप्लाई और फिर डिवाइडेड बाय 58.5, 1.49 पावर एज इट इज इंटू 10 की पावर 23। NaCl के नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं। अब हमें देखना होगा कि इनके हर फार्मूला यूनिट में कितने सोडियम आयन हैं। तो NaBr के एक फार्मूला यूनिट में एक सोडियम आयन है और NaCl के भी एक फार्मूला यूनिट में एक ही सोडियम आयन है। तो आप रेशोस की मदद से आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आप यूं लिखेंगे NaBr रेशो सोडियम आयन 1:1। NaBr की तादाद ये थी, तो क्योंकि रेशो सेम है सोडियम आयन भी इतनी आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ सोडियम आइंस इक्वल टू दिस वन। फिर इसी तरह NaCl के साथ कंपेयर कर लें सोडियम आइंस को, इनकी भी रेशियो 1:1 की है। NaCl के हर फार्मूला यूनिट में एक सोडियम आइन,
NaCl के फार्मूला यूनिट की तादाद ये आई थी, तो सोडियम आयन की तादाद भी इतनी आएगी क्योंकि रेशियो सेम है। तो नंबर ऑफ सोडियम आयन्स आर इक्वल टू दिस वन। ये दो आंसर्स आ गए, आप इनमें से देख लें कौन सा आंसर बड़े NaCl के लिए आंसर ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे हेंस गिवन मैस ऑफ NaCl कंटेन्स मोर सोडियम आयन्स। फिर इसका आखिरी पार्ट है 13 क्वेश्चन का एच पार्ट, पेज नंबर 28 पर। कैलकुलेट मैसेज ऑफ गिवन नंबर ऑफ एटम्स। यूरेनियम के दो आइसोटोप्स के एटमों की तादाद दी गई है, उनका मैस कैलकुलेट करने। क्वेश्चन 13 का एच पार्ट। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 235। यह यूरेनियम का आइसोटोप है, इसके नंबर ऑफ एटम दिए गए हैं 6.02 10 की पावर 23। और इसी तरह नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 238, यूरेनियम का एक और आइसोटोप जिसका मैस 238 होते हैं, उसके भी एटम इतने दिए गए। अब हमें बताना है किसका मैस ज़्यादा है, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए जो हम यूज़ करते रहे, ये वाला। इसमें आप लिख दें मॉलिक्यूल की जगह एटम, ये फार्मूला आप हम यूज करेंगे। अब यहाँ मोलर मैसेस क्या लेंगे, यूरेनियम 235 की दफ़ा मोलर मैस हम 235 लेंगे, और जो यूरेनियम 238 आइसोटोप है उसके लिए मोलर मैस हम 238 लेंगे। तो इसमें बारी बारी वैल्यूज पुट कर दें। पहले हम ले लेते हैं मैस ऑफ यूरेनियम 235, उसके लिए नंबर ऑफ एटम की जगह इनकी तादाद, मैस फाइंड करना है ओवर मोलर मैस 235 और इनटू एनए। तो मैं इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करता हूँ। नंबर ऑफ एटम हमें दिए गए 6.02 एन की पावर 23। मैस फाइंड करना है ओवर मोलर मैस 235 और Na की जगह उसकी वैल्यू 6.02 10 की पावर 23 दोनों तरफ है, कैंसल हो जाएगा। अगले स्टेप में 235 को बाएं तरफ ले जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी मैस इन ग्राम्स इज इक्वल टू 235 ग्राम्स। फिर इसी तरह मैस ऑफ यूरेनियम 238 कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी यही फार्मूला। नंबर ऑफ एटम की जगह दी गई तादाद, 238 की भी तादाद यही दी गई है। मैस मालूम करने ओवर मोलर मैस ऑफ 238 होगा, एनए की वही वैल्यू। इसमें भी 6.02 10 की पावर 23 दोनों तरफ कैंसिल, 238 बाईं तरफ ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा मैस इन ग्राम इज इक्वल टू 238 ग्राम। अब यूरेनियम 238 के लिए आंसर ज़्यादा है, तो हेंस गिवन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ यूरेनियम 238 हैज मोर मैस। ये हमारा आंसर आ गया। मोल और एवोकाडो नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन जो हैं इन पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस ही आपको इसमें महारत दिला सकती है और
इन चीज़ों में महारत का ये मतलब है कि आप केमिस्ट्री के बहुत सारे जो एडवांस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको बड़ी इजीली टैकल कर सकते हैं। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर दिए गए हैं, कुछ आपके लिए छोड़ दिए गए हैं। तो आपने इन लेक्चर्स के बाद जो आगे 2 दिन होंगे, ये लेक्चर आपको इंशाल्लाह मंडे को मिल जाएंगे। तो मंडे को आप ये लेक्चर्स सुनें और फिर ट्यूसडे वेनसडे को लेक्चर्स मज़ीद ब्रॉडकास्ट नहीं होंगे। मंगल और बुध को आप इन्हीं लेक्चर्स की मदद से जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें और ये फिर मुकम्मल जो असाइनमेंट है ये आप जमा करें। इसमें मज़ीद कोई बात पूछनी हो तो आप जो व्हाट्सएप नंबर्स हैं उन पर पूछ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वर्ल्ड की फाइल हैं, ये फाइल भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी ताकि जो क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वो सॉल्व शुदा शक्ल में आपके पास आ जाएं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेशी खिदमत होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।